हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। सो गाइज, आप देख पा रहे हो जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये वीडियो पे जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हो, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। दिस इज़ अ फोर मॉड्यूल गैंग बॉक्स, बट इसमें जो चीज़ लगा हुआ है, एक है सिंगल फेस मोटर स्टार्टर एंड आपका एक है 16 एम्पीयर यूनिवर्सल सॉकेट फ्रॉम ओरेवा। सो बेसिकली गाइज, ये चीज़ आपका ट्रेडिशनली एसी के लिए यूज़ होता है, बट जो जिसके घर पे अभी नया एसी लग रहा है मगर उनका कॉन्सील वायरिंग नहीं है तो वो कैसे यूज़ करेंगे, तो इसीलिए सरफेस गैंग बॉक्स के ऊपर हम लोग मॉड्यूलर किट लाए हैं आपके लिए, और एक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है ये। जैसे लास्ट वीडियो पे अगर आप मिस कर गए हो तो आई सेक्शन में लिंक है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग सॉकेट के साथ एमसीबी एंड इंडिकेटर दिए थे, जो न्यू वर्जन है, अभी यूज़ हो रहा है बहुत जगह पे। बट एट द सेम टाइम अगर आपका एसी 2 टन या 1.5 टन है तो ये सिंगल फेस स्टार्टर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, यूज़ होता है। एंड और एक डिफरेंस है कि वो अगर सिस्टम आप लेंगे कि एक सॉकेट, एक एमसीबी एंड एक इंडिकेटर, तो उसका कॉस्ट वाइज थोड़ा कम होता है एंड इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ दिस सिंगल फेज मोटर स्टार्टर। तो गाइज, ये भी हम लोग एक और एक कस्टमाइज प्रोडक्ट आपके लिए लाए हैं, या हम अपने हिसाब से आपके लिए हम लोग कस्टमाइज करके देंगे, या फिर आप अलग से भी परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में तीनों का लिंक है, अलग से आप चारों का लिंक है, ये कस्टमाइज बॉक्स का भी लिंक है, अलग से सॉकेट का लिंक है, अलग से आपका स्टार्टर का लिंक है, एट द सेम टाइम अलग से ये गैंग बॉक्स का भी लिंक है। तो चलिए गाइज, इसको अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं कि कैसे हम लोग इसको आपको प्रेजेंट करेंगे एंड क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो ये पैकेट हम हटा देते हैं। सबसे पहले आप देखिए फील एंड फिनिश देखिए गाइज, वंडरफुल फिनिश। ये आपका इंस्टॉलेशन इतना सुंदर है, इसका फिटिंग भी इतना सुंदर है। एंड ये रहा आपका सिंगल फेस स्टार्टर, ये ऑन है, ये ऑफ है। एट द सेम टाइम ये आपका एमसीबी का भी काम करेगा, 25 एम्पीयर के ऊपर जाके कोई भी शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ भी हुआ, तो ये आपका ट्रिप डाउन करेगा। तो चलिए इसका बैक साइड भी देख लेते हैं। बैक साइड पे देखिए, यहाँ पे पूरा मार्किंग किया हुआ है, एसी ओनली 240 to 220 वोल्ट लाइन एंड मोटर। लाइन मतलब यहाँ पे फेज आएगा। व्हाई इट इज सिंगल फेज, बिकॉज यहाँ पे आपका खाली आपका लाइव मतलब जो फेज है, फोर फेज इधर आएगा एंड मोटर मतलब यहाँ से आपका सप्लाई चला जाएगा एसी में, एंड बाकी आपका यहाँ, सॉरी एसी पे नहीं, यहाँ से आएगा आपका प्लग पे, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं चला रहे हो। अगर कोई इसको सॉकेट को बाईपास करके खाली स्विच का यूज करना चाहते हो डायरेक्टली, बहुत जगह पे होता है, कमर्शियली यूज पे होता है, कोई शॉप्स में होता है कि डायरेक्ट इसको स्विच के साथ कनेक्ट कर देता है, तो यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो एंड न्यूट्रल को आपको टैप कर देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपका सॉकेट का बैक आप देख सकते हो, अर्थिंग का पॉइंट है, यहाँ पे न्यूट्रल, ये है लाइव, एल लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है। सो यही है। एंड बैक साइड तो गाइस कॉमन है, यहाँ पे आपको स्क्रूज मिल जाता है, बफर कैप मिल जाता है, आप इसको आराम से बॉटम प्लेट को लगा सकते हो वॉल के ऊपर या प्लाई के ऊपर कहीं पे भी, एंड आप अगर टोटल कवर कर देंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो गाइज, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। आप अगर परचेज करना चाहते हो तो अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ले सकते हो, हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर कुछ और जानकारी चाहिए इसके बारे में तो हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम लोग उसका भी क्लैरिफिकेशन लेके आएंगे। एंड आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगता है, आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।